क्यों मार रहे हो छोटे बच्चे को? हाँ चलो भागो यहाँ से, चलो चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। लड़के लोग क्यों सता रहे थे तुम्हें? मेरा घर आ गया। आओ, अंदर ले चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप इसे सही सलामत घर ले आए। अमन, अंदर जाकर कमीज बदल लो, ये दाग तो धुल जाएगा मगर कुछ दाग ऐसे होते हैं जो मिटाए नहीं मिटते। आपके पतिदेव क्या कोई क्षमा चाहता हूं, नीचे प्रश्न कर रहा हूं आपसे। मुश्किलों की अब तो आदत सी पड़ गई है, पता नहीं ऊपर वाला कितने इम्तिहान ले रहा है हमसे। 6 महीने पहले सब कुछ ठीक था। अमन के अब्बा समर पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी को लेकर मुंबई से पुणे ले जाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। समर शेख, सलाम अलैकुम समर मियां। सलाम का जवाब तो अजनबी भी देते हैं, आप तो हमारे अपने हो। मैं तुम में से नहीं हूं बिलावल, तुम जैसे चंद लोग पूरी कौम को बदनाम करते हैं। लगता है बात नहीं करना चाहते, थोड़ा पानी है तो दे दो। क्या देख रहा है तू? भागने का कोई चांस नहीं है, ये वैन तिजोरी की तरह बंद है, बाहर ताला अंदर ताला, तू पूरी तरह से सील पैक है। और कुछ देर बाद समर की हल्की सी आंख लग गई। बिलावल, 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 भागे, भागे, गाड़ी रोको, भागे, बिलावल नहीं है, गाड़ी रोको। अरे खोलो। सर, लॉक, अंदर से लॉक है। अबे, बिलावल भाग गया। पर कैसे साहब? अंदर तो आप ही थे। सर, मुश्किल से 3 मिनट के लिए हल्की सी झपकी लग गई थी सर, इतने में न जाने बिलावल कहाँ गायब हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी नाक के नीचे से खतरनाक आतंकवादी बन गया और तुम्हें इसका पता तक नहीं चला। उस वैन में तुम दोनों के अलावा कोई नहीं था। सर मैं खुद भी हैरान हूँ, वैन चारों तरफ से सील थी और वो भी सर 80 की स्पीड से चलती हुई वैन जिसको बाहर से लॉक किया था। हाँ साहब, मैंने ही बाहर से दरवाजा खोला था पर अंदर से लॉक था। अंदर से लॉक थी कैसे? उस वैन को अंदर से खोलने का एक ही तरीका था, एक चाबी के जरिए जो कि मेरे पास थी सर। इसका मतलब अगर बिलावल को भागना है तो वो बिना उस चाबी के नहीं भाग सकता। जी सर। डिस्गस्टिंग। बिलावल के लिए तो हमने पूरे शहर में रेड अलर्ट लगा दिया है, जल्दी पकड़ा जाएगा वो। लेकिन इंस्पेक्टर समर शेख, तुम्हारी निगरानी में जो हुआ उसकी हमें छानबीन करनी पड़ेगी। तब तक के लिए यू आर सस्पेंडेड। We'll be right back.
जी बैठो। इंस्पेक्टर समर शेख, ये अदालत को यकीन हो गया है कि आतंकवादी बिलावल खान के फरार होने में आपने उसकी मदद की है, इसलिए अंडर द एबेटमेंट एक्ट आपको हिरासत में लिया जाता है और आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं बेकसूर हूँ, कैद मत कीजिए। मैंने उसे नहीं भगाया, मेरे दादा देश की लड़ाई में क्रांतिकारी थे। उनका पोता होने के बावजूद मैं देश के साथ गद्दारी क्यों करूंगा? मुझे कैद मत करो। लगता है कि मैं गद्दार हूं, पर सच तो तभी सामने आएगा जब वो बिलावल पकड़ा जाएगा। आप बस हिम्मत रखिए, इंशाल्लाह आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। वकील क्या कहता है मेरा? पैसे मांग रहे हैं, कह रहे केस जीत पाने की गुंजाइश कम है। पर मेरा दिल कहता है समर, इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। लेकिन अफसोस, समर ने अपनी उस मुश्किल से निकलने का रास्ता खुद ढूंढ लिया था, जब अब तक बनी हिम्मत टूट गई। ए, चल खाना खा। मेरे शौहर की खुदकुशी के बाद हमारी बची खुची उम्मीद भी टूट गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो, समर ने अपनी हरकतों से शर्मिंदा होकर अपनी जान ले ली, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि उन्होंने जिल्लत बर्दाश्त ना करते हुए ये कदम उठाया। लेकिन आज वो जिल्लत की जिंदगी मेरा बेटा जी रहा है। गद्दार का बेटा कहते हैं उसे। अंग्रेजों की चलाई हुई गोलियों से उतना दर्द नहीं मिला जितना कि अपनों की गालियों से मिला है। पर वारी किस्मत, वो अपना खेल खेलना बंद नहीं करते हैं बेटा। एक तरफ ये जमाने के लोग मेरे पोते को गद्दार कहते हैं और दूसरी तरफ इस 15 अगस्त को आजादी के जश्न के दिन मुझे तमगे से नवाजा जा रहा है। मैं वहां नहीं जाऊंगा जब अपने वतन में ही मुझे इज्जत नहीं मिलती है, तो ऐसी इज्जत नहीं चाहिए मुझे। जिस आजादी की लड़ाई के लिए हमने खून बहाया, उसे पानी की तरह बहा दिया इस आज के हिंदुस्तान ने, अब तो मुझे यहां के सिस्टम पर यकीन नहीं है। सब खत्म हो। समर के दादाजी हैं, समर के इंतकाल के बाद इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपने कभी अदालत से इंसाफ की गुहार क्यों नहीं लगाई? आप कहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। पर आप कैसे कुछ कर सकते? इसके लिए हमें बड़े से बड़ा वकील लगेगा। बड़े छोटे का तो पता नहीं, वकील तो मैं हूं। मेरा नाम केडी पाठक है और मैं हर प्रयास करूंगा कि आपके शोहर को निर्दोष प्रमाणित करूं। और अपने ससुर जी से कहिएगा कि इसे संभाल के रखें, हर किसी को नसीब नहीं होता। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील केडी, पर अगर वो इंस्पेक्टर सचमुच में गिल्टी निकला तो? आप सही कह रही हैं मिसेस बिलूमोरिया, समय पर तो ठीक से नहीं कहा जा सकता कि वो दोषी है या निर्दोष। अगर वो दोषी है तो कम से कम उसके परिवार को ये शिकायत तो नहीं रहेगी कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला, और अगर वो निर्दोष है तो उसके स्वतंत्रता सेनानी दादाजी को फिर से विश्वास हो जाएगा देश के संविधान पर। बस इतना मेरे लिए काफी है। हाय सर। हाय मैम। सर, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे माइंड ब्लोइंग मैजिक ट्रिक सिखाई, अभी आपको दिखाता हूँ।
क्या बोलते हो? ऑल ओके? ऑल ओके करना पड़ेगा, पर वो भी 15 अगस्त से पहले पहले, ताकि एक स्वतंत्रता सेनानी अपना सीना तान कर दिल्ली जा सके अपना पुरस्कार लेने। यही वो वैन है जिसमें से बिलावल गायब हुआ था, पर वो मैंने उसे कई बार चेक कर लिया है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता। कैद तुम्हें और केडी को वो दिख जाए जो मुझे नहीं दिखा। दवे, तुम हमारी मदद कब से करने लगे? सिर्फ इस केस में। मैं समर को अच्छी तरह जानता था, बहुत ही नेक और ईमानदार ऑफिसर था। जीते जी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, शायद उसकी मौत के बाद केडी उसे बचा ले। मरे हुए को कैसे बचाओगे? केडी पाठक, इंस्पेक्टर समर शेख ने आत्महत्या कर ली, मर गया वो, पर उसके साथ ही उसका केस भी खत्म। अब इस तरह गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या बोलेगा? बोरा साहब, इंसाफ किसी के जीने या मरने का मोहताज नहीं होता। केड़ी बेटे, मैं इस देश का टॉप सीनियर लॉयर, मेरा 40 इयर्स का एक्सपीरियंस कहता है कि तुम्हें ये केस आगे नहीं लड़ना चाहिए। बोरा साहब, आप सुबह से ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं ये केस छोड़ दूं। क्योंकि भारत सरकार ने मुझे अपॉइंट किया है इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे विनिंग स्पॉटलेस करियर पर कोई धब्बा लगे। यस, तुम हार। गरीब बेटा, आई लाइक यू। माना कि अभी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें, पर गुड लक। थैंक यू सर। आप जैसे दिग्गज से अपनी प्रशंसा सुनकर। हाँ, दिग्गज और एक्सपीरियंस, 40 इयर्स एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस के सामने अगर तुम खड़े रहोगे तो सिर्फ एक्सपीरियंस करोगे। ले वरुण, चेक कर ले अच्छे से। बाजे विद्वे, मैंने एक सुपर मैजिक ट्रिक सीखी है, दिखाऊं क्या? एक मिनट। नहीं नहीं वरुण प्लीज, अब तुम भी केडी की तरह पहली मत पूछो यार, पहले इस पहली को सुलझाओ। अरे इस पहली को तो हम सुलझा देंगे। समझ में नहीं आता कि बिलावल कहां से भागा होगा। ऊपर से पूरी तरह से बंद है, साइड से बंद है, ये खिड़कियां भी पूरी तरह से सील है। तवे, मेरे हिसाब से बिलावल इस दरवाजे से ही भाग सकता है, और कोई रास्ता ही नहीं। ये दरवाजा अंदर से लॉक था और चाबी सिर्फ समर के पास थी। योर ऑनर, ये बात सत्य है कि वो दरवाजा केवल एक ही चाबी द्वारा खुल सकता था, किंतु समर के कथन अनुसार 2-4 मिनट तक उसे नींद आ गई थी। हो सकता है समय का लाभ उठाकर बिलावल ने उसकी जेब से चाबी निकाली और उसके द्वारा दरवाजा खोल कर भाग। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा होता तो चाबी बिलावल की जेब में ही होती, या फिर आप ये कहेंगे कि बिलावल ने दरवाजा खोला, चाबी वापस इंस्पेक्टर समर शेख की जेब में रखने का रिस्क लिया और फिर गाड़ी से कूदा। फिर कूदने के बाद अबाउट टर्न मारकर 80 की स्पीड में जाती हुई गाड़ी के पीछे भागा और उसका दरवाजा कड़ी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि मेरे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में ऐसी अनहोनी नहीं हुई आज तक। समझ जाता हूं, आप सही कह रहे हैं।
अगर इंस्पेक्टर समर ने स्वयं बिलावल को चाबी दी होती तो भी ऐसा करना असंभव। योर ऑनर, मैं उस पुलिस वैन के ड्राइवर शशिकांत वागले को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? कितनी गति थी गाड़ी? हम वैसे ही लेट थे, इसीलिए 80 की स्पीड से भगा रहा था। गाड़ी की गति कहीं धीमी की आपने या रोकी गाड़ी को कोई स्पीड ब्रेकर सिग्नल इत्यादि? नहीं साहब, रोड एकदम स्ट्रेट था। मुझे अब तक समझ में नहीं आता कि इतनी स्पीड से भागती हुई गाड़ी से कोई कैसे भाग सकता है। अगले ये बताना कि जब इंस्पेक्टर समर ने तुमसे चिल्ला कर कहा कि गाड़ी रोक, तुमने क्या किया? मैं फौरन गाड़ी साइड में लगाया और गाड़ी से उतरा। कितना वक्त लगा तुम्हें? 20 सेकंड से भी कम। तांबे मेरे साथ था, हम दोनों गाड़ी से पीछे गए और दरवाजा लॉक था। यहां तक मुझे याद आता है। नहीं सर, एक इस केस में जो जानकारी है हमारे पास उसके अनुसार पहले से ही दरवाजा बाहर से बंद किया। क्या है कि तांबे मुझसे पहले गया था, इसी ने दरवाजा खोला होगा। आप झूठ बोल रहे हैं, दरवाजा पहले से ही लॉक था। जब इंस्पेक्टर शेख और बिलावल पुलिस स्टेशन से आकर वैन में बैठे तो दरवाजा मैंने ही बाहर से लॉक किया था। तो वो अचरज की बात है, एक कह रहा है दरवाजा खुला था, दूसरा कह रहा है दरवाजा बंद था, तो उससे क्या होता है? तभी सूरत से बात तो वही हुई जो हम सब जानते हैं, वैन के बाहर नहीं वैन के अंदर की कहा, समर और बिलावल के बीच। सलाम अलैकुम समर भैया। वालेकुम सलाम। खुशी हुई देख कर के आप हमारे अपने, अपनों की मदद करना नेकी का काम होता है। और फिर बिलावल ने अपनी हिरिंग जबान और कन्विंसिंग पावर से समर को अपने मकसद और इमोशनल अपील का वास्ता देकर अपनी तरफ कर दिया। तुम सही कहते हो भाईजान, तुम्हारी मदद करना मेरे लिए नेकी का काम है। दरवाजा पर भाईजान, गाड़ी तो 80-90 की स्पीड से चल रही है, आप कहे तो रुकवा दूं? कोई जरूरत नहीं, हमें अपनी तैयारी में गाड़ी से कूदने की ट्रेनिंग दी गई। बिलावल तो कूद गया लेकिन वैन का दरवाजा बाहर से लॉक किसने किया? उसके फरिश्ते ने। वैन का दरवाजा बाहर से खुला था, वो लॉक कोई नहीं था। तुम झूठ बोल रहे। लेकिन वोरा साहब, केडी तुम्हारे पास टैलेंट, मेरे पास 40 इयर्स का एक्सपीरियंस। मैं इंसान की आंख में देख के कह सकता हूं कि वो सच बोल रहा है या झूठ, और तांबे झूठ बोल रहा है। अब मैं सच बोल रहा हूं बेटे। मैं जानता हूं कि वैन का दरवाजा बंद करना तुम्हारा काम था, ड्यूटी थी, बराबर, और वो करना उस दिन तुम भूल गए। लेकिन कोई तुम्हारी ड्यूटी पर उंगली न उठाए इसलिए तुमने कोर्ट के हरेक बयान में कहा कि दरवाजा बाहर से लॉक था। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन अब भी अगर तुमने झूठ कहा तो मेरे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस से कहता हूं, गारंटी के साथ, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो इंस्पेक्टर समर शेख का हुआ। मैं तुम्हें देशद्रोही करार दूंगा। साहब आप सच कह रहे हैं, मैं ही बैंक का दरवाजा लॉक करना भूल गया, और डर के बारे पिछली अदालत ने भी नहीं बोला, हमारी नौकरी चली जाती। देखा, 40 इयर्स के एक्सपीरियंस का कमाल, तांबे की गलती का फायदा उठाया बिलावल और समर ने मिलकर। योर ऑनर, इस केस से जुड़ी विशेष जानकारी देना चाहता हूं आप। अप्रोच द बेंच।
यह अदालत 13 अगस्त तक के लिए मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न। मिस्टर कटियाल और मिस्टर पाठक, आप दोनों 10 मिनट के अंदर मुझे मेरे चैंबर में आकर मिलिए। अभी अभी मुंबई पुलिस को एक खुफिया इंफॉर्मेशन मिली है, बिलावल के पते और ठिकाने का पता उन्हें चल चुका है। इन शॉर्ट, बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होगा। ओह, दैट्स अ गुड न्यूज इस केस के लिए। इसीलिए मैंने इस केस को एडजर्न किया। एक बार बिलावल पकड़ा गया तो उसके बयान से साफ हो जाएगा कि इंस्पेक्टर समर शेख को भगाने में उसका हाथ था या नहीं। बिलावल ने अगर कोर्ट में इंस्पेक्टर समर को बचाने के लिए अगर झूठ कुछ कह दिया, इसे आफ्टर ऑल तब की तब देखी जाएगी। वैसे मिस्टर वोरा, आपको सच और झूठ पकड़ने का 40 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है। केड़ी, अभी कहता हूं इस केस को तुम छोड़ दो। देखा, आज तुम हारते हारते बचे। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्यों इस तरह भरी कोर्ट में जलील होना चाहते हो? बोला साहब, ये जो बार बार आप मुझे केस छोड़ने को कहते हैं, मतलब कष्ट क्या है आपको? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि 14th-15th August लंबी वीकेंड है। मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा जाने के लिए सोच रहा था। ब्रेक तो, लेकिन कमबख्त ये तुम्हारा केस है, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। नहीं नहीं, छुट्टी मिलेगी ना आपको। आप जाइए जिस डेट पे आप जाना चाहते हैं, क्योंकि 13 तारीख को आपकी छुट्टी हो जाएगी। मतलब इस केस का निर्णय आ जाएगा तो। केडी जी, माइंड योर लैंग्वेज, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा सीनियर। मेरे क्या मजाल सर, प्लीज एज बिफोर। सर, अगली गाड़ी के नुक्कड़ पर आने वाला है, वहाँ एक चाय की दुकान है सर। खबर पक्की है? काला, बढ़िया पा, दवाई खा लीजिए। दादाजी, आपकी जिद से केस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो मेरी मौत ही इस केस का जवाब है। देखिए दादाजी, हमें पूरा विश्वास है कि आज रात तक बिलावल पकड़ा जाएगा। उसके पकड़े जाते ही अगली अदालत में आपके बेटे पर जो कलंक लगा है वो धुल जाएगा। अब प्लीज दवा खा लीजिए। तो फिर मुझे उस अगली अदालत का इंतजार है। समशेर, 15 अगस्त का प्लान याद है ना? रुको 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 रुको, वो 15 अगस्त की कुछ बात कर रहा है, सुनते हैं। मेरे इशारे से पहले कोई हमला मत करना। मैं सामान लेकर कल तक पहुंच रहा हूँ। और सुन, जो भी करना है हम दोनों को करना है। 15 अगस्त का जश्न कोई भूल ना पाए। मैं बाद में करता हूँ। पीछे जा। बिलावल, भागना बेकार है। जब मैं बंद वैन से भाग सकता हूँ, ये तो खुला मैदान है। अरे सोन, दोनों को बोल बोल। नामुमकिन मुमकिन हो गया ना बिलावल, है? चल, चल। तो मैंने वैन पूरी तरह से चेक की, भागने का कोई रास्ता नहीं, ना ऊपर से ना नीचे से। तो ऐसा लगता है जैसे बिलावल जादू से गायब हो गया। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, और सिर्फ हाथ की सफाई और आंखों का धोखा होती। तो मेरे दोस्त ने भी मुझे एक मैजिक ट्रिक सिखाई। हाँ दवे बोल। एडी, बिलावल पकड़ा गया। थैंक्स सर। बिलावल पकड़ा गया, और अब इस केस का दारोमदार उसी पर टिका हुआ है। हो सकता है उसके बयान के कारण इस परिवार पर जो काले बादल छाए हैं वो छट जाए।
15 अगस्त को शहर में ब्लास्ट करने वाला था। लकीली सारे बॉम्ब्स इसके पास से बरामद हो गए और इसका प्लान फेल हो गया। क्या लगता है, भाग जाऊंगा? इतना जल्दी नहीं। लेकिन हमें जल्दी है तुमसे सच उगलवाने की, क्योंकि तुम्हारे कारण इंस्पेक्टर समर शेख की जान गई। समर शेख बुजदिल था जो अपनी जान दे दी। और तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो जो उसे मुश्किल में डालकर भाग गए। बोल, कैसे भागा तू वहां से? बोल देना भाई। हाँ बोल। बताता हूँ, डरता हूँ क्या? तुम्हारा वफादार इंस्पेक्टर समर शेख, उसने मुझे मुझे आजाद किया था। क्या कहा था मैंने? मेरे 40 इयर्स का एक्सपीरियंस तुम्हारे नाम को रौंदता हुआ चला गया। देखा, बिलावल ने भी कह दिया कि इंस्पेक्टर समर ने उसका साथ दिया था। केडी, केस ओ। मैंने उसे अपनी जज्बाती बातों में बह दिया, खुदा का वास्ता देकर हबलाया फुसलाया। वो नादान था, मेरी बातों में आ गया। झूठ बोल रहे हो तुम बिलावल। झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? जो बोलूं मुझ पर लगे सेक्शन खम तोड़ी हो जाएंगे। चलती गाड़ी से कूदे थे तुम। हाँ, खुद के दिखाओ कैसे। कहाँ कूदे? मतलब ये कि वैन से कूद कर। फिर किया क्या? वैन से कूद कर मैंने अपने आप को संभाला और पास ही एक जंगल में घुस गया। कौन सी जगह थी वो? पनवेल ब्रिज के बाद तो सावंतवाड़ी है। के बाद जो जंगल पड़ता है, आधे घंटे तक बचता फिर नाक के बाहर निकला। और फिर उसके बाद सड़क के पास एक पान की दुकान, वहां फोन किया। मेरे दोस्त शमशेर 1.5 घंटे के बाद बाइक लेकर आया और बाइक से चले। दुकान का नाम तो याद होगा तुम्हें? तो सब याद नहीं रखता साहब। मेन बात तो यही है जो कि बिलावल ने कही कि इंस्पेक्टर समर शेख ने बिलावल को भागने में मदद की। जी सर। मिस्टर पाठक, अब आप समझ रहे हैं ना कि आपका ये केस कितना कमजोर होता जा रहा है? योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि आदमी झूठ बोल रहा है, कुछ छिपा रहा। जरा ये बताइए किस बिना पर आप इसे झूठा कह रहे हैं? मेरा मन कहता है। तेरी मेरे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में मन से ज्यादा दिमाग पर जोर दिया है, विच इज वाई टुडे इस देश के सीनियर मोस्ट लॉयर्स में से टॉप पर है। कोई सबूत तो कीजिए पेश, वरना छोड़िए। मिस्टर पाठक, चलो मान भी लेते हैं कि किसी कारण बिलावल झूठ बोल रहा है, पर वो फिर वैन से फरार हुआ कैसे? आपने भी और पुलिस ने भी उस वैन की अच्छी तरह जांच की है, उसमें सिवाय दरवाजे के और कोई दूसरा रास्ता नहीं था भागने। शायद मिस्टर पाठक को लगता है कि बिलावल जादू से उस वैन से बाहर निकला। हाँ भाई बिलावल, जादू आता है तुम्हें? आता होता तो यहाँ थोड़ी होता। कारपेंटर हूँ, जादूगर नहीं। मिस्टर पाठक, योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि मुझे बस एक दिन की मोहलत दी। नहीं मिलॉर्ड, ऐसा तो आज ही सुना दी। मिस्टर पाठक, मिस्टर कटियाल सही कह रहे हैं, बिलावल के बाद अब कोई सबूत या गवाह नहीं है किसी के पास। योर ऑनर, है चश्मदीद गवाह। अब कौन सा गवाह है? वो इस समय तक गुमनाम है, किंतु मैं वादा करता हूँ कि उसे कल तक गुमनामे के पर्दे से निकालकर इस अदालत में उपस्थित कर दूंगा। कौन है वो गवाह? नाम तो बताइए। ये बोरा साहब, आपको कल बताऊंगा तो चले, क्योंकि इस समय बता दिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। केवल 24 घंटे। मिस्टर पाठक, यूं तो आपके इस केस का लगभग दी एंड हो चुका है, पर आपने किसी और चश्मदीद गवाह की बात की
तो मुझे उनका बयान सुनने तक मजबूरन अपने फैसले को रोकना पड़ेगा। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। कल? मतलब कल जैसा कल तो मुझे कल आपको क्या नहीं सर बोरा साहब कल अपने दोस्तों से नहीं कोई बात नहीं वो मैं कल ही रखिए कल की तारीख दीजिए। मिस्टर बोरा द कोर्ट इज एडजर्न्ड एंड मिस्टर पाठक टुमारो इज योर लास्ट एंड फाइनल चांस। सर गवाह कौन है? कोई नहीं है कोई चश्मदीद गवाह नहीं। सर मतलब? मतलब ये है कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अदालत से मोहलत पाने के लिए मैंने झूठ बोला। सर मगर अगर कल अदालत जब आपसे गवाह मांगेगी तो आप क्या करेंगे? जज को तो आप जानते ही इतना स्ट्रिक्ट है वो। अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो क्या करूं? और सत्य तक पहुंचने के लिए जोखिम तो उठाना पड़ेगा मुझे। देखता हूँ कुछ करता हूँ। छोड़िए सर आज मुझे पूरा यकीन है कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तू ये बता वो क्या तू इतने दिनों से कोई जादू दिखाने का प्रयास कर रहा था जो तेरे बेस्ट फ्रेंड ने तुझे सिखाया था क्या है वो जादू? छोड़िए सर अब मूड नहीं। दिखाना दिखाना थोड़ा वातावरण बदल जाएगा। ठीक है सर ये देख ये एक एम्प्टी मैच बॉक्स चेक कीजिए। मिस्टर बिलमोर चेक कीजिए एम्प्टी मैच बॉक्स। मैं इसमें एक बॉल बेयरिंग डालूंगा। अब मैंने मैच बॉक्स को बंद किया और शेक किया और मैजिक मंत्र पढ़ा गिनी गिनी पाशा 1 2 9 2 11। मिस्टर बिलमोर खूब मारे। अरे मुझ पे नहीं इस पे। Yes. गायब। भाई वरुण। तू कह रहा था तेरे बेस्ट फ्रेंड ने तुझे ये ट्रिक सिखाई। तेरा बेस्ट फ्रेंड कोई ऐसे दूसरी कक्षा का बालक तो नहीं? क्यों सर? मतलब बच्चों वाली ट्रिक दिखा रहा है। स्टॉप। दिस इज नॉट फेयर। आपको ये ट्रिक पता है? चश्मदीद गवाह मिल गया। तो एक काम कर अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस केडी। तो कहा है आज तो वो डी डे है ना इंडिपेंडेंस डे के पहले का एक दिन। आपका चश्मदीद गवाह कहाँ है? बोरा साहब चश्मदीद गवाह यही है दरवाजे के बाहर। मैं जज साहब की अनुमति चाहने ही वाला था कि आपने टोक दिया। योर ऑनर आपकी अनुमति हो तो उन्हें अंदर बुलाओ। अनुमति है। लाइए से यहाँ ले। बस हवलदार साहब मुझको जोड़ दीजिए। मिस्टर पाठक व्हाट इज दिस? योर ऑनर ये क्या है? ये तो हमारे दोस्त बिलावल हमें बताएंगे। क्यों बिलावल तुम जानते हो ना ये क्या है? बताओ ना जज साहब। मैं नहीं जानता ये क्या है। कोई बात नहीं हमेशा की तरह मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। योर ऑनर ये एक लकड़े की बनाई गई दीवार है जो हमारे दोस्त बिलावल ने जेल में बनवाई है। किंतु उस पुलिस वैन के अंदर के हिस्से और आकार प्रकार से पूरी तरह परिचित होने के पश्चात मिस्टर पाठक मैं समझाता हूँ। योर ऑनर इस योर ऑनर अगर समझाने में बोरा साहब मेरी सहायता करते हैं तो प्लीज बोरा साहब आइए यहाँ पीछे। चुप जाइए। योर ऑनर बिल्कुल ऐसा ही पैनल उस दिन उस वैन में लगा हुआ। फिर योर ऑनर सबके चले जाने के बाद पीछे से उसने छिटकिनी खोली पैनल का गेट खोला और यूं भाग। योर ऑनर अब मैं आपको बताता हूं कि बिलाल अंततः उस पुलिस वैन से फरार कैसे हुआ। हवलदार साहब पहले इसे ले जाइए। हुआ यूं योर ऑनर बिलावल को पहले से पता था
कि उसे मुंबई से पुणे के जेलर तबादला करके ले जा रहे हैं। पुलिस में उसका कोई साथी है जिसने बिलावल को उस वैन के अंदर का नक्शा और नाप बना कर दिया। उनकी सहायता से बिलावल ने अपनी जेल की कारपेंट्री क्लास में चोरी से ये फोल्डिंग दीवार बनाई, जिसके आगे के हिस्से पर मेटालिक पेंट लगाकर उसे वैन के पैनल से मैच किया और अपने सहायक द्वारा इसे वैन के भीतर खड़ा किया ताकि वो उसकी एक दीवार ही लगे। फिर ट्रांसफर के दिन बिलावल वैन के अंदर बैठा इंस्पेक्टर समर शेख के साथ, और फिर उसने मौके का इंतजार किया ताकि अपनी चाल चल सके। फिर समर की आंख खुली और उसने बिलावल को सामने न पाकर यह समझा कि बिलावल वैन से फरार हो गया। वैन रुकवाई और तीनों ने मिलकर बिलावल को ढूंढा। वो ये नहीं जानते थे कि बिलावल कहीं और नहीं, उस वैन में ही था, उस नकली पैनल के पीछे, बस अपने अगले कदम का इंतजार कर रहा था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। उस दरवाजे के बारे में मैं नहीं जानता साहब, आप क्या बोल रहे हो? बिलावल, तुम कुछ और बोल रहे हो, और उस लकड़ी की दीवार पर जगह जगह से तुम्हारी उंगलियों के निशान, वो कुछ और बोल रहे हो। और तुम पनवेल के जंगलों में उतरे ही नहीं, क्योंकि अगर चलती हुई गाड़ी से गिरे हो तुम्हारे शरीर पर कहीं ना कहीं चोट आई हो, किंतु ऐसा है नहीं बिलावल। और झूठ भी बोला था तुमने अदालत में, सावंतवाड़े के आसपास कोई ऐसी पान की दुकान नहीं है जहां टेलीफोन है, तो फिर तुमने पान की दुकान से टेलीफोन कैसे किया? और तुमने भागने की बात हम सबसे इसलिए छुपाई क्योंकि तुम ये पैतराब फिर से इस्तेमाल करने वाले थे अपने उसी सहायक की सहायता लेकर जिसने तुम्हारी इस बार सहायता की थी, जो इस समय इस अदालत में उपस्थित है। क्यों तामे साहब, है ना? पकड़ो। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। अब बताओ, तांबे ने तुम्हारी मदद की थी, तुम पुलिस वैन से भागे थे या नहीं? हाँ सर, तांबे ने मेरी मदद की थी साहब। और केडी साहब जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हैं साहब, मेरे भागने में इंस्पेक्टर समर शेख का कोई हाथ नहीं है साहब। केडी जी, बिना 40 इयर्स के एक्सपीरियंस के आपने ये पैतरा पकड़ा कैसे? उचित प्रश्न हो रहा था, इसका श्रेय जाता है मेरे सहायक वरुण को, जिसने मुझे वो माचिस की डिब्बी वाली ट्रिक, तो आपको पता ही होगा उसके बारे में, 40 साल का एक्सपीरियंस। नहीं, माचिस मैं दिखा, ये माचिस की डिबिया है, अब इस तरफ ये गोले हैं, लेकिन इसे बंद करके ऐसे आप हिलाएं और खोलें, गोले गायब। अभी मेरा दिमाग खनका, मैंने सोचा अगर इसी माचिस के डिब्बे को बड़े पैमाने पे किया जाए तब तो समझ गए होंगे अब तो 40 साल का एक्सपीरियंस है ही, है ना? योर ऑनर, केस का हर पहलू बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, बस आपके निर्णय की आवश्यकता है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत हवालदार तांबे को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है, और साथ ही मरहूम सब इंस्पेक्टर समर शेख पर बिलावल खान को भगाने के आरोप से मुक्त करती है और उन पर सारे लगाए हुए इल्जाम खारिज करती है। केस इज क्लोज। तो केडी, केडी सर, बुरा लग रहा है मुझे आज कि आपके शोहर के नाम पर जो दाग था उसे तो मिटा दिया लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। और बेटा, आपने इस बच्चे की जिंदगी को बदनामी से बचाया, हमारे लिए यही काफी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बेटा। वो कहते हैं ना कि
संगत का असर होता है। जैसे तुम्हें मेरी संगत का देखो कैसा असर हुआ, आज जीत गए मेरे सामने 40 इयर्स। तो थोड़ा साहब अपेक्षा करता हूँ कि मुझे भी किसी दिन 20, 30, 40 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। क्या लगता है आप? और अब गवर्नर साहब स्पेशल मेडल देंगे 1947 के फ्रीडम फाइटर मिस्टर जाकिर शेख को, जो अपने पर पोते अमन के साथ ये सम्मान स्वीकारने के लिए आए हैं। तो तालियों के हकदार आप भी हैं। वरुण, अदालत के निर्णय के कारण एक छोटे से बच्चे के कांधों पर से इतना बड़ा बोझ हट गया। वो छोटा बच्चा आजाद हो गया। स्वतंत्रता दिवस पर इससे बड़ी भेंट मेरे लिए और क्या हो सकती है, राइट ना?